हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स इज यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर, कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स जो होते हैं ये प्लांट में ट्यूमर कॉज करते हैं अगर इसमें वायरल जीन हो तो, जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल है। पर अगर उन जीन्स को डिलीट करके उनमें कुछ यूज़फुल जीन्स डाल के प्लांट में इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो ये प्लांट को इन्फेक्ट तो करेंगे बट यूज़फुल उनमें मटेरियल जाएगा जो प्लांट्स के लिए अच्छा होगा। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। किस लिए? डीएनए मैपिंग के लिए, डीएनए मॉडिफिकेशन के लिए, जीन ट्रांसफ़र के लिए या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। तो इसके ऑप्शन आने, ऑप्शन सी, जीन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं इसके थ्रू, ऑप्शन सी। फिर है कि हु इज़ आइसोलेटेड फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो किसने आइसोलेट किया था, अलग किया था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करके उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने में हेल्प करते हैं। तो टैमिन बाल्टीमोर, सेंगर स्मिथ के पॉल बग था। जो बाल्टीमोर था इन्होंने वो बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फिनोमिना बताया था, ठीक है? तो ये नहीं आने है। अभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले कि इन्होंने आइसोलेट किया था, ये स्मिथ ने, ठीक है, ओ स्मिथ ने, ठीक है, ऑप्शन सी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, के जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन होती है उनकी स्टडी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, या आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू जीन्स को मैनिपुलेट करने को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, आरएनए के मैनिपुलेशन को बोलते हैं या एंजाइम्स की मैनिपुलेशन को बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन टू ले रहे हैं कि जो जीन्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल मेथड से मैनिपुलेट करना जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि जब जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से आगे जो आरएनए वगैरह हैं वो उनकी मैनिपुलेशन होती है, प्रोटीन्स की मैनिपुलेशन होती है। इसके बाद ही जो मतलब करेक्ट ये जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ, ये इसका ही पार्ट है, जो मैनिपुलेशन ऑफ आरएनए है वो इसका ही पार्ट है। बट पहले मैनिपुलेशन ऑफ जीन होता है, उसके बाद आरएनए मैनिपुलेट और प्रोटीन वगैरह मैनिपुलेशन होके प्रॉपर जो जीन्स हैं वो आगे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन टू आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, पीसीआर इज यूज्ड फॉर। पीसीआर किसके लिए यूज़ होता है? डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए, डीएनए रिपेयर के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, या क्लीव ऑफ डीएनए, डीएनए क्लीव करने के लिए। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम पीसीआर बोलते हैं, इसको यूज़ किया जाता है डीएनए रिपेयर करने के लिए। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है ये डीएनए को आगे डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर डीएनए को एम्पलीफाई करके उसमें से सेगमेंट्स लेने के लिए किया जाता है। तो डीएनए एम्पलीफिकेशन में करते हैं, ऑप्शन थ्री आ जानी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, कोडोन के कोई भी नहीं होता। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसमें प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल सीजर। केमिकल सीजर किन्हें कहा जाता है? जो कि डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उनको कट करने में काम करती हैं, जिनको हम सीजर्स बोलते हैं ना, एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, तो इकोर वन है, हिंद थ्री है, बाम वन है, या सारी हैं। तो ऑप्शन डी आ जानी है, सिक्स के चारों ही हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो हैं एंजाइम्स दैट आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिकॉज ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? दे कैन डिग्रेड द हार्मफुल प्रोटीन, हार्मफुल प्रोटीन जो होता है उसको डिग्रेड करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इस तरह से, ठीक है, इनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है ऐसे कि ये कट करते हैं डीएनए को वेरिएबल साइट से या स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस से डीएनए को कट करते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये डीएनए के बेस सीक्वेंस को, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को कट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन फोर आ जानी है, ठीक है, दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ अ फॉरेन जीन, कि अगर जो ऑर्गेनिज्म के जो जीनोटाइप हैं उनको, उनमें कुछ फॉरेन जीन्स को, दूसरे जीन्स को ऐड करके इम्प्रूव करना है, तो उस टेक्निक को, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू कल्चर, जेनेटिक डाइवर्सिटी,
जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्लास्टिक इंजीनियरिंग कहेंगे, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग इन इट्स जीनोम वन और मोर इंसर्टेड जीन ऑफ अनदर स्पीशीज इज कॉल्ड, कि जो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिज्म है ठीक है, उसमें मतलब कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म मान लो, उसके अंदर जो और स्पीशीज़ के जो जीन ऐड करने हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक से ज़्यादा अगर जीन्स इंसर्ट करने हैं तो ट्रांसपोजेंस कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, क्या रेट्रोपोजेंस कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। फिर है विच वैक्टर इज़ कॉमनली यूज इन द ट्रांसफर ऑफ द जीन इन द क्रोप प्लांट, क्रोप प्लांट में जीन्स को जैसे क्रोप प्लांट होते हैं कॉटन वगैरह के है ना, या और प्लांट्स होते हैं क्रोप प्लांट, तो उनमें जीन को ट्रांसफ़र करने का कॉमन मेथड क्या है, प्लाज्मिड ऑफ बैसिलस सेप्टिलिस, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, टी आई प्लाज्मिड्स होते हैं, फैग्रोबैक्टीरियम या ईकोलाइफेजेस होते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा है कि जो एग्रोबैक्टीरियम के टी आई प्लाज्मिड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स में, क्रोप प्लांट्स में जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूमर इंड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंसेस लोकेटेड इन द लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड आर कॉल्ड, कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस में ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी होती है कि ये प्लांट में ट्यूमर कर सकता है ठीक है, जो कि इसके प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ठीक है, और टी आई प्लाज्मिड कहते हैं। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एम क्या है, क्या फंक्शन है इसका, क्या करता है ये, डिस्ट्रॉइंग द वाइल्ड जीन, प्रिजर्विंग द डिफेक्टिव जीन, क्योरिंग ह्यूमन डिसीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन, या सारे ही आ जाने हैं इसमें, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, के ह्यूमन डिसीज को ठीक करने में, क्योर करने में, ताकि न्यू जीन उसमें ऐड करके जो डिफेक्टिव जीन है उनको रिप्लेस किया जा सके, तो उसका मेन ये पर्पस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का ठीक है, कि जो न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करवा के जो डिसीज़ वगैरह है उनको क्योर किया जा सके, तो 3 ऑप्शन आनी है। फिर है पीस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड यूजिंग टू फाइंड आउट अ जीन बाय फॉर्मिंग द हाइब्रिड विद इट, इट इज़ कॉल्ड एज, कि जब जो न्यूक्लिक एसिड जो यूज़ किए जाते हैं जीन को फाइंड आउट करने में, तो उसमें हाइब्रिड जो हैं वो बनते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, cDNA, DNA प्रोब, स्टिकी एंड या ब्लंट एंड, इसको बोलते हैं DNA प्रोब, 13 की ऑप्शन 2 आ जानी है। टैग पॉलीमरेज TQ जो है, ये पॉलीमरेज होता है एंजाइम विच इज़ यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA रिलेटेड विद, जो DNA किसके साथ रिलेट होता है, जिसके एम्पलीफिकेशन में ये टैग पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है, हाइब्रिडोमा टेक्निक, PCR टेक्निक, जीन क्लोनिंग या rDNA टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, PCR टेक्निक में इसको यूज़ करते हैं टैग पॉलीमरेज को, तो ऑप्शन 2 आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ट्रू फॉर द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को लेके क्या सही है, तो बैक्टीरिया वगैरह में हमने पढ़ा है कि प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मिड मतलब क्या है, सही क्या है स्टेटमेंट प्लाज्मिड को लेके, इसमें प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द जीन ट्रांसफर फाउंड इन वायरस, प्लाज्मिड जीन कंटेन, प्लाज्मिड कंटेन द जीन्स फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ या मेन पार्ट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं ये, तो ये जो हैं ये जीन ट्रांसफर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए आ जानी है 1 ऑप्शन। फिर विच ऑफ़ द फॉलोइंग कट द DNA फ्रॉम द स्पेसिफिक प्लेसेस, DNA को स्पेसिफिक प्लेस से कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, लाइगेस, एक्सोन्यूक्लिएज के एल्कलाइन फॉस्फेट, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज़ करते हैं जो कि DNA के अंदर से जो स्पेसिफिक साइट पे से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है उसमें यूज़ किए जाते हैं, लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है ना, कि फ्रेगमेंट हैं अलग अलग तो इनको जोड़ने का काम करेगा वो लाइगेज ठीक है। फिलहाल क्या कहा है, कट कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इनको ही मॉलिकुलर सीजर्स बोल देते हैं। 17th क्वेश्चन है मैनिपुलेशन ऑफ DNA इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, के DNA जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA मैनिपुलेशन के लिए मतलब ये जो प्रोसेस होती है DNA में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैनिपुलेशन की जो प्रोसेस होती है, ये कहते हैं क्या चीज़ की डिस्कवरी हुई जिसकी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये DNA मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो पॉसिबल है ये होना इस तरह से, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की वजह से DNA लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज या प्राइमरीज, तो प्राइमेज तो
तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन वन, ठीक है, कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनकी डिस्कवरी से ये पॉसिबल हो पाया है, तो ऑप्शन वन आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाउंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन द प्लांट्स, कि क्या एक यूज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या यूज़ है मेन जो पाया गया है, मतलब कौन सी ऐसी जीन्स हैं जिनके थ्रू ये पाया गया है, बैसिलस कोएगुलेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस, क्लोस्ट्रीडियम कैप्टिकम और ज़ैंथोमोनास सिट्री, तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस है जो जीन ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिसमें प्लांट्स में यूजफुल जो जीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवाए जा सकते हैं। 19th क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, आर एंडोन्यूक्लिएज विच क्लीव द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, के वो एंडोन्यूक्लिएज हैं जो डीएनए को काटते हैं, कट करते हैं स्पेसिफिक साइट से, या मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, कि डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए, ठीक है। फिर है कि कट और ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट, के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट या ज्वाइन करने का काम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, या वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के लिए, कि बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफ़र करने में ये ज़्यादा ज़रूरी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो क्या फंक्शन है इनका, ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ऑप्शन वन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या हैं, आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, कि जो बैक्टीरिया है वो इसको अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाते हैं वैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को, या ये मैमेलियन सेल्स, मैमल जो होते हैं उनके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि डिग्रेड कर सके डीएनए को जब वो सेल ख़त्म हो जाए, तो सेल का अपना डीएनए जो है उसको डिग्रेड करने के लिए, जब वो सेल ख़त्म हो जाए तो उसके डीएनए को डिग्रेड करने के लिए ये एंजाइम पाया जाता है, या प्रेजेंट होता है ये, सॉरी यूज़ होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ताकि डीएनए के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लाइगेट, उनको जोड़ा जा सके, ये यूज्ड फॉर द इंट्रो इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, या लेबॉरेटरी में डीएनए बनाने की कोशिश करने के लिए इसमें इसको यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ होता है बैक्टीरिया में अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ऑप्शन वन। नेक्स्ट है द टी आई प्लाज्मिड इज ऑफन यूज फॉर मेकिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, दिस प्लाज्मिड इज फाउंड इन, के जो टी आई प्लाज्मिड होते हैं वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने में यूज़ होते हैं, तो ये प्लांट्स, ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ईस्ट एज अ 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, या एग्रोबैक्टीरियम फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं। टी प्लाज्मिड जो हैं ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स में यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसमें ये प्लाज्मिड होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन में। ऑप्शन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का एग्जाम्पल बताना है, सीधा ही जीन ट्रांसफर कर देना, माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स को, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड जिसमें पहले सेल को कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, फिर उसको एकदम से हीट कर किया जाता है ताकि उसमें पोर्स क्रिएट हो सके, और फिर उसमें ये डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जाते हैं, देन उसको फिर से कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि वो फिर से अंदर तक जा सके डीएनए पोर्स के थ्रू आगे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स के अंदर, तो जीन पार्टिकल गन के सीधा बम्बार्ड किया जाता है गन से, सीधा पार्टिकल्स को टंगस्टन वगैरह की कोटिंग करके उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्लांट्स में, के सारी हैं ट्रांसफ़र, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र की टेक्निक्स, तो सारी हैं ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनसे। कॉपीज़ ऑफ डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस्ड इन द पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल, 6 साइकिल में कितने डीएनए के सैंपल बनाए जा सकते हैं, तो 6 साइकिल है, हर एक में 2 मॉलिक्यूल्स के बेस पे हम करें, ठीक है, तो इस तरह से हम ले रहे हैं इसको, तो 2 to the 4, 4 to the 6 times है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 into 4, 32 into 2, 64 आ गया, ठीक है, तो 6 साइकिल में कितने बनेंगे, 64 बन जाएंगे, तो इसकी ऑप्शन 23rd की आनी है, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, थर्मल साइकिल टेक्स प्लेस इन विच टेक्निक, के जो कौन सी टेक्निक है जिसमें थर्मल साइकिल यूज़ किया जाता है हीट करने के लिए डीएनए के को हीट करने के लिए ताकि उसके स्ट्रैंड अलग हो सकें, तो
जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, पीसीआर टेक्निक में करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन या साउदर्न ब्लॉटिंग में करते हैं। तो ये पीसीआर टेक्निक में करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। इसमें वो करते हैं ना डीनेचुरेशन एंड हीलिंग एक्सटेंशन, है ना, ये प्रोसेसेस होती हैं, तो वो पीसीआर टेक्निक है। तो ऑप्शन इसकी आनी है 24 की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक और यकार। बैक क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यक क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना। तो कहते हैं नेचुरल डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड ईस्ट, इसमें बैक्टीरिया और ईस्ट से नेचुरल डीएनए बनता है? नहीं, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला है, तो नेचुरल डीएनए कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन 1 यानी यूजफुल वैक्टर्स फॉर यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर, के जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए इसको वैक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, या आर्टिफिशियल डीएनए ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया और ईस्ट से, या सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट ठीक जा रही हैं। तो जो हमारी 25th है, 25th की ऑप्शन 4th बिल्कुल सही है कि ये वेक्टर के तौर पे यूकैरियोटिक सेल्स में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, और ये आर्टिफिशियली डीएनए को मतलब यहाँ बैक्टीरिया और ईस्ट से, बी है और वाई है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो इनसे कहते हैं आर्टिफिशियल डीएनए ऑब्टेन होता है। हाँ, तो बी सेकंड और थर्ड दोनों आनी है, मतलब ऑप्शन 4। फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज़ नहीं करते हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इसेंशियल टूल हैं, या जो न्यूक्लियसेस हैं दैट क्लीव डीएनए, कि वो न्यूक्लियसेस हैं, वो एंजाइम है जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट से क्लीव यानी कि कट करते हैं। तो क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़रूरी भी हैं और कट भी करते हैं स्पेसिफिक साइट से। तो 2 और 3 यानी कि 4th ऑप्शन सही आ रही है, 26 की 4th ऑप्शन आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर क्या है, क्या होता है इसमें? फर्स्ट पैसेज ऑफ फूड थ्रू सीव पोर्स इन द फ्लोएम एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, के इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के थ्रू इसमें जो फ्लोएम एलिमेंट होते हैं उनके अंदर फूड पैसेज को सीव पोर्स में, जो सीव पोर्स होती हैं उसमें से मूव करवाया जाता है, या जो दूसरा है कि स्टोमेटल पोर्स ओपनिंग होती है इसके इसमें आर्टिफिशियल लाइट में रात को, या थर्ड है मेकिंग द ट्रांजिएंट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कंस्ट्रक्ट्स, के जीन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट किए जाते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर में, तो ये होता है। फिर प्योरीफिकेशन ऑफ द सलाइन वाटर विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम, के मेम्ब्रेन सिस्टम से सलाइन वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है इसकी। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में जो सेल है उसके अंदर पोर्स क्रिएट होते हैं, पहले उसको कोल्ड किया जाता है, कूल किया जाता है, फिर उसको एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि उसमें पोर क्रिएट हो सके और उसमें से डीएनए अंदर भेजे जा सके, है ना। तो 3 ऑप्शन आएगी। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोड्यूस अ ब्लंट एंड इन डीएनए, डीएनए में ब्लंट एंड बनाने वाले जो मतलब हैं एंजाइम वो कौन से हैं? बाम एच वन, जिसमें ये है जी जी ए टी सी सी है, और उसके दूसरे में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में सी सी टी ए जी जी है, या ई कोर वन वाला ये है जी ए ए टी टी सी, या जो उसका आगे कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। फिर है कि है 3 जी जी सी सी, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी सी जी जी, है ना, देन के सारे हैं ये, तो इसकी ऑप्शन आनी है है 3, ठीक है, ऑप्शन 3 आ जानी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया मॉडिफाइज इट्स डीएनए, कि कोई बैक्टीरिया अपने डीएनए को मॉडिफाई कर सकता है किस तरह से? मिथाइल ग्रुप ऐड करके डीएनए में, तो ये किस तरह से किया जा सकता है? दिस डज सो टू, किस लिए किया जाता है ये? क्लोन इट्स डीएनए, बी एबल टू ट्रांसक्राइब मैनी, टर्न इट्स जीन ऑन, जीन टर्न ऑन किए जा सके, प्रोटेक्ट इट्स डीएनए फ्रॉम द जीन्स साइमल्टेनियसली ओन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो इसकी 29th की ऑप्शन आनी है 4, 4th ऑप्शन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोर वन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, के जो ई कोर आर वन एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसकी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है कि डीएनए के बाहर वाली साइड में से पार्ट्स को कट करता है, या लाइगेट एक्टिविटी है जोड़ने का काम करता है, ठीक है, या कोरेक्टिंग द टोपोलॉजी ऑफ द रिप्लिकेटिंग डीएनए, के रेप्लिकेटिंग डीएनए को
को करेक्ट करने का काम करता है ये। तो इसके ऑप्शन आनी है वन, कि जो इकोर आई इकोर वन है, इको आर वन जिसको बोलते हैं, ठीक है, एस्क्रीचिया कोलाई आर वन स्ट्रेन जो है, इसको एंडोन्यूक्लियस इसकी एक्टिविटी होती है, कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट से अंदर से। फिर है डीएनए लाइगेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज दैट डीएनए लाइगेज, अभी पूछा गया है क्या करता है, स्प्लिटिंग द डीएनए थ्रेड्स इनटू द स्मॉल बिट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है डीएनए को फर्दर, या डीएनए के फर्दर फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, या डीएनए को डीनेचुरेट करता है, तोड़ता है, या डीएनए बनाता है, सिंथेसाइज करता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू, लाइगेज जोड़ता है, ग्लू का काम करता है, ठीक है, तो जोड़ता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस कंबाइन द लार्ज प्लाज्मिड विच इंट्रोड्यूस अ ट्यूमर इनटू द प्लांट, इट इज टर्म्ड एज, कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस होते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे प्लाज्मिड होते हैं, लार्ज प्लाज्मिड होते हैं, जो कि प्लांट्स में ट्यूमर कर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टी आई प्लाज्मिड, आर आई रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलते हैं, शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं टी आई प्लाज्मिड। 32 की ऑप्शन वन आ जानी है, टी आई प्लाज्मिड। 33 है, मोर एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ड्यू टू, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादा एडवांसमेंट किसकी वजह से आती है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, जो आर एन ए को डी एन ए में दोबारा कन्वर्ट करता है, प्रोटीजेस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जाइमीज, कौन से एंजाइम से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें ज़्यादा एडवांसमेंट आई, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, ऑप्शन 33 की वन आ जानी है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, जहाँ से चाहें मतलब स्पेसिफिक साइट जहाँ से हम ढूंढ के डीएनए में स्पेसिफिक साइट को कट करके वहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के किसी दूसरे प्लांट या ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको वेक्टर की हेल्प से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बेस्ट जेनेटिक वैक्टर इन द प्लांट्स, प्लांट्स में बेस्ट जेनेटिक वैक्टर के तौर पे क्या यूज़ होता है, बैसिलस सोलनजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस, स्यूडोमोनास प्यूटीरा, और सारे के सारे जो हैं ये जेनेटिक वैक्टर हैं प्लांट्स के लिए अगर बात करें तो। तो मेन है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस है, तो ऑप्शन टू ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ यूज टू ज्वाइन द डी एन ए फ्रेगमेंट्स, कौन सा एंजाइम डी एन ए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है, टर्मिनेज, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज के डीएनए पॉलीमरेज, तो लाइगेज जोड़ता है। सिक्स क्वेश्चन है, अ काइंड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की मैनिपुलेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, क्या कौन सी प्रोसेस कहा जाता है इसको, तो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल देते हैं, ठीक है, डीएनए वगैरह जो हैं आरएनए आगे प्रोटीन उनको उनकी मैनिपुलेशन करना ताकि उनको सुटेबल बनाया जा सके और आगे जनरेशन टू जनरेशन वो पास कर सकें, तो बायोटेक्नोलॉजी की इस प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर ऑफ प्लाज्मिड, फिर से प्लाज्मिड के लिए क्या सही है, ये वायरस में पाए जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी के लिए जीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम का ये पार्ट है, या ये जीन ट्रांसफर में यूज़ होते हैं, तो जीन ट्रांसफर में यूज़ होते हैं, फोर्थ ऑप्शन। 38th क्वेश्चन है, सुटेबल वेक्टर फॉर द जीन क्लोनिंग इन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में जीन क्लोनिंग के लिए जो वेक्टर के तौर पे यूज़ होता है वो क्या है, वैक्यूलो वायरस है, रेट्रो वायरस है, साल्मोनेला टाइफीरियम है, या न्यूरोस्पोरा क्रेजा है, तो इसमें यूज़ होता है रेट्रोवायरस, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में जो क्लोनिंग के लिए यूज़ होता है वो है रेट्रोवायरस। फिर है पीसीआर प्रोसीड्स इन द थ्री डिस्टिंक्ट स्टेप्स गवर्नड बाय द टेम्परेचर, दे आर इन ऑर्डर टू, कि जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है इसमें कहते हैं टेम्परेचर के थ्रू अलग अलग स्टेप्स चलते हैं, तीन स्टेप्स चलते हैं, तो तीन स्टेप कौन कौन से हैं, मतलब किस ऑर्डर में चलते हैं, डीनेचुरेशन पहले होती है, फिर एनीहीलिंग, देन सिंथेसिस होती है, पहले सिंथेसिस फिर एनीहीलिंग फिर डीनेचुरेशन होती है, एनीहीलिंग सिंथेसिस और डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन सिंथेसाइजिंग और एनीहीलिंग होती है, तो क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो डीएनए डीनेचुरेट होता है, ठीक है, डीएनए सबसे पहले डीनेचुरेट होता है, उसके बाद उसमें इनहीलिंग की प्रोसेस होती है, प्राइमर्स आके लगते हैं उसमें, ठीक है, तो उसके बाद जो आगे मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, आगे सिंथेसिस के दौरान मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं मैनिपुलेशन करके, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है इसकी, डीनेचुरेशन होती है, फिर इनहीलिंग होती है, फिर सिंथेसाइज करता है डीएनए, ठीक है, आगे अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। फिर है 40th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द टी आई, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, विच इज़ मॉडिफाइड एंड यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन्स इनटू द प्लांट सेल, के टी आई जो प्लाज्मिड है उसका क्या सोर्स है, जिसकी वजह से जो कि मॉडिफाई किया जाता है ताकि जो ये क्लोनिंग वेक्टर है उसको आगे प्लांट सेल्स में
जो इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, मतलब जो उसके डिजायरेबल जीन है उसको आगे इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासिन थर्मोफिलस एक्विटस पायरोकोकस फ्यूरिसस एडीज एजिप्टी। तो इसकी ऑप्शन आनी है 40th की। ऑप्शन वन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासिन्स मेनली टी आई प्लाज्मिड में यूज़ होता है। 41st क्वेश्चन है द थर्मोस्टेबल एंजाइम जो काफ़ी हीट को भी टॉलरेट कर दे, वो एंजाइम जो है टाक और पफू इज PFU जो है आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से लेते हैं तो क्या है ये बैक्टीरिया आर, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर हैं वो क्या हैं, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या DNA लाइगेज है। तो ये होते हैं हमारे DNA पॉलीमरेज, ठीक है, DNA पॉलीमरेज होते हैं क्योंकि DNA आगे मतलब कॉपीज़ बनानी है ना, DNA की मल्टीपल कॉपीज़ और एप्लीकेशन वगैरह होती है, वहाँ पे DNA पॉलीमरेज यूज़ होता है। तो ऑप्शन 41st के 2 ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मॉलिकुलर सीजर जनरली रेफर टू, कि जो मॉलिकुलर सीजर टर्म यूज़ की जाती है ये क्या है, DNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या DNA लाइगेज है। तो मॉलिकुलर सीजर हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, ये कट करने का काम करते हैं DNA को स्पेसिफिक साइड से, तो मॉलिकुलर सीजर है ये। 42 की ऑप्शन 3 आ गई। फिर है इन द PCR टेक्नोलॉजी द DNA सेगमेंट्स इज रेप्लिकेटेड ओवर अ बिलियन टाइम्स, के PCR टेक्निक में DNA जो होता है, DNA का सेगमेंट होता है उसको बहुत बारी रेप्लिकेट करते हैं, है ना, एम्प्लीफिकेशन के दौरान। तो रिपीटेटिव एप्लीकेशन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है, DNA पॉलीमरेज, ताक पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट, RNA पॉलीमरेज या प्राइमेज एंजाइम काम करता है यहाँ पे। ऑप्शन तो ताक पॉलीमरेज, ठीक है, ताक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 43 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन, एंजाइम्स अंडर द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, मेकिंग स्टैगर्ड कट्स इन द DNA लिविंग द स्टिकी एंड्स, जो कि जो DNA में स्टिकी एंड्स पे थोड़े कट्स बना के रखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ECOR1, HIND3, BAM-H1 या सारे ही होते हैं ऐसे। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ अबव, ताकि स्टिकी एंड्स इस तरह से बने तो वहाँ पे DNA का पार्ट आके अटैच हो जाए उसके साथ, ठीक है, तो ये स्टिकी एंड्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन डी मतलब 4 सारे ही आने हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ECOR1 कट्स द DNA बिटवीन बेसिस जी एंड सी ओनली वेन द सिक्वेंस इन DNA इज, कहते जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ECOR1 है वो DNA को कट करता है कहाँ से, जी और ए के बीच में से, ठीक है, कब, वेन द सीक्वेंस इन DNA इज, जब DNA में सीक्वेंस क्या है, GATATC, GAATTC है, देन GA फिर TT यानी कि थायमिन थायमिन, फिर CC है साइटोसिन साइटोसिन, या GAA फिर C फिर TT है। तो 45th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, जब GAATT और C होता है तो उस टाइम पे G और A के जो बेसिस होते हैं सिर्फ तभी DNA के सीक्वेंस में वो ECOR1 जो है वो कट लगाता है। फिर है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसके थ्रू प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, इंड्यूसिंग द जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, डिलीटिंग द सेक्स क्रोमोसोम्स या इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन जीन्स। तो 46 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा के ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जिनमें डिसीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी या और जो भी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं वो ऐड हो सकती है। फिर एक फॉर द DNA टू फंक्शन एज अ क्लोनिंग वैक्टर द फर्स्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट इज, अगर चाहते हैं हम कि जो DNA है वो क्लोनिंग वैक्टर के तौर पर काम करे तो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्या है, चीज़ क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए DNA पे, या सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, या सर्कुलर नेचर होना चाहिए, या ORI सीक्वेंस होनी चाहिए, रीजन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस होनी चाहिए। तो मेन जो ORI सीक्वेंस है वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो DNA है वो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे काम करे, जैसे हम PBR322 में पढ़ते हैं, है ना, तो वैसे ORI सीक्वेंस होनी ज़रूरी है। फिर अकॉर्डिंग टू EFB द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स parts thereof and molecular analogous for the products and services is known as, के EFB के according जो ये statement बताई हुई है कि जो natural science organisms या cell या उसके parts हैं या जो molecular analogous हैं उनके products या उनके services हैं,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी की बायोलॉजी कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिकीनेस स्टिकीनेस ऑफ द डीएनए एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ विच एंजाइम। के जो डीएनए की स्टिकीनेस होती है, मतलब डीएनए पे स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कौन से एंजाइम को काम करने के लिए होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एल्केलाइन फॉस्फेटेज वहाँ पे काम कर सके। तो ये होता है कि जो डीएनए लाइगेज है वो काम कर सके और जो स्टिकी एंड्स है वहाँ पे डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो आके अटैच हो सके, पेयर हैं वो आके अटैच हो सके और जो डीएनए है वो इस तरह से पार्ट्स अटैच हो सके। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज को हेल्प करता है वो। फिर है कि विच टेक्निक इज़ यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्ली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि पता चल सके कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो फंक्शन कर पा रही हैं, कैसे प्रोसेसिंग प्रोग्रेशन चल रही है उनमें। पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउदर्न ब्लॉटिंग या स्टेनिंग यूज़ किया जाता है, तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। फिर है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल इज लोडेड। कौन सी जो पार्ट होता है, कौन सा एंड होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जिसमें अगर उस जेल का सैंपल जो है वो डाला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से करके, ऐसे करके के होते हैं, है ना, यहाँ पे वो लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगे होते हैं, है ना, तो बैंड यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो कहते हैं कौन कहाँ पे किए जाते हैं, वेल्स में। वेल्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स, या फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 51st की फोर्थ, ठीक है, वेल्स में और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये वेल्स में ज़्यादातर तो वेल्स में किया जाता है, वहीं पे उसके साइड पे ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं जिससे जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिव चार्ज इधर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसकी तरफ पास करते हैं। तो वेल्स में नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये जेल को लोड किया जाता है ताकि जो डीएनए है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पास कर सके। तो ऑप्शन फोर आ जानी है 51 की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर, कहते हैं जो प्लाज्मिड वेक्टर की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, जो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को अपने पे होने नहीं देती, ऐसी जीन विच गेट इनएक्टिवेटेड, जो कि इनएक्टिवेट हो जाती है, फंक्शन नहीं करती, कब, ड्यू टू इंजर्शन ऑफ एलियन डीएनए, जब कोई फॉरेन डीएनए इंजर्ट किया जाता है उस प्लाज्मिड में। तो फंक्शन क्या होता है इसका, हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, किस चीज़ को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है, ट्रांसफॉर्मेंट्स को, रिकम्बिनेंट्स को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, या रिकम्बिनेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स दोनों को करती है, सिलेक्ट करने का काम करती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू, रिकम्बिनेंट्स को ये सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद है इन विच टाइप ऑफ द बायो रिएक्टर एयर बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। के बायो रिएक्टर जो बड़े बड़े होते हैं, कंटेनर टाइप, वेजल्स टाइप, जिनमें के वो ये वैक्सीन वगैरह बनाने का काम किया जाता है आगे डीएनए वगैरह की हेल्प से, है ना, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो कहते हैं उसमें बायो रिएक्टर में जो एयर बबल होते हैं इंक्रीज होते हैं, तो जब उसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की जाती है तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया में वो बढ़ जाती हैं, बबल्स जो होते हैं एयर बबल्स वो बन काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये कौन से बायो रिएक्टर होते हैं, ऐसे सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर होते हैं, स्पैक्ड स्टर्ड बायो रिएक्टर होते हैं, या दोनों ही होते हैं, या कोई भी नहीं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू, स्टैग्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर होते हैं ये, ऑप्शन टू आ जानी है। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन यूज्ड टू, जो जीएम होते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो होती है ये किस लिए यूज़ होती है, क्रिएट द टेलर मेड मेड प्लांट्स, सप्लाई ऑल्टरनेटिव सोर्स टू इंडस्ट्रीज, एनहांस्ड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं, सारे के सारे में डीएनए जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका रोल है। तो सभी में है, सभी यूज़फुल काम ही हैं फंक्शन इसके, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होती है, देन और अच्छे प्लांट्स क्वालिटी के प्रोड्यूस करने में, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने में यूज़ होती हैं। तो ऑप्शन फोर आ जानी है। तो चॉइस ऑफ द बीटी जीन फॉर द एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन, बीटी जीन को चूज़ करने की जो वो है, चॉइस है,
बीटी जीन्स को चूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए, किस चीज़ के बेस पे चूज़ करते हैं, होस्ट प्लांट या क्रोप, ट्रांस टारगेटेड प्लांट या पेस्ट, बैसिलस स्ट्रेन या ए और बी दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों आनी है। तो 50-55 जो है इसके ऑप्शन आनी है दोनों, कि होस्ट प्लांट या क्रोप या टारगेट पेस्ट या इंसेक्ट जो भी है उनको ख़त्म करने के लिए बीटी जीन उसके बेस पे चूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेमेटोड रेजिस्टेंस बाय द आरएनए इंटरफेरेंस, कि जो आरएनएआई जिसको कहा जाता है आरएनएआई प्रोसेस, उसमें कहते हैं जो नेमेटोड रेजिस्टेंस होती है, नेमेटोड ख़राब ना कर सके प्लांट को, है ना। तो सम स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड विच फॉर्म द DSDNA आरएनए, जो कि कुछ स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जिनकी जो क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं। तो दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन, ये किस में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, नेमेटोड में ही, होस्ट प्लांट में ये जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम में किए जाते हैं कि सभी में किए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू, होस्ट प्लांट में किए जाते हैं ये। 57 है, सेलेक्ट द इनकोरेक्ट मैच, सेलेक्ट इनकोरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है जो सही नहीं है, ट्रांसजेनिक माइस, पोलियो वैक्सीन, रोजिकाओ जो थी एज लेक्टा, लेक्टल ब्यूमिन जीन जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए प्रोब होता है, ये जीन थेरेपी में यूज़ होता है, पीसीआर जो है ये मॉलिकुलर डायग्नोस में यूज़ की जाती है। तो कौन सी ऑप्शन इनकोरेक्ट है यहाँ पे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए प्रोब ये जीन थेरेपी में यूज़ होते हैं, ये गलत है, ठीक है, इनकोरेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इकोर वन, आर स्टैंड फोर, जो इको आर वन है, मतलब एस्क्रीचा कोलाई आर वन है, उसमें आर क्या है, स्ट्रेन है, आर स्पीशीज़ है, जीनस है कि ऑर्डर है, आर एक स्ट्रेन है एंजाइम की, ऑप्शन वन, ठीक है, स्ट्रेन है एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म, क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन फॉर्म करते हैं, डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, डीएनए प्रोटीन के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, या रिकॉम्बिनेंट सेल बनाने का काम करते हैं। तो ये डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने का काम करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोरिएक्टर के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसकी ऑप्शन आनी है इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ करते हैं, ऑप्शन टू आ जानी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या फीचर ज़रूरी नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है, हाई कॉपी नंबर, सेलेक्टेबल मार्कर के क्लोनिंग साइट्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू, हाई कॉपी नंबर ज़रूरी नहीं है क्लोनिंग वेक्टर के लिए, ठीक है। फिर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर द क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या सही नहीं है, मोर देन टू ओरिजिन ऑफ साइट, ओरिजिन साइट्स ऑफ रेप्लिकेशन, वेक्टर शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर जीन, वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए, रेप्लिकेशन के जो साइट हैं उसके दो से ज़्यादा ओरिजिन होने चाहिए, या जो सिंगल रिकॉग्निशन साइट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कॉमनली यूज होनी चाहिए, या PBR 322 जो है इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसकी क्या ऑप्शन आएगी, फर्स्ट सही है कि मोर देन टू ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन, ORI दो से ज़्यादा होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, ठीक है, जो गलत है वो बतानी है ना, तो ये एक ही होता है ORI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसीजर थ्रू विच, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम, डीएनए का पीस होस्ट बैक्टीरिया में डाला जाता है, वेक्टर में डीएनए का पीस इंट्रोड्यूस करते हैं, या प्रोटीन से डीएनए का पीस इंट्रोड्यूस किया जाता है, सारी ही सही हैं। तो इसमें आएगा पीस ऑफ डीएनए होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। फिर है सेकंड, लेटर ऑफ द नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केम फ्रॉम, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है तो उसका जो नेम का सेकंड लेटर होता है वो कहाँ से आता है, जीनस से, स्पीशीज से, ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज से, ऑर्गेनिज्म की फैमिली से, या ऑर्गेनिज्म की क्लास से आता है। ये ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू, स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहले हर एक का सेम, जैसे बायोनोमेनक्लेचर करते हैं ना, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, सेम वैसे पहले जेनेटिक नेम फिर स्पीशीज नेम। नेक्स्ट है, टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द फंजाई, फंजाई से डीएनए को आइसोलेट करना है, ठीक है,
तो हमें उसकी वॉल को तोड़ना पड़ेगा, फंजाई के वॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या यूज़ किया जाएगा उसके लिए? वॉल किससे बनती है? वॉल, फंजाई की वॉल बनी होती है काइटिन से, है ना। तो काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम चाहिए। तो लाइसोजाइम, सेलुलोज, इन्वर्टेज के काइटिनेज, तो काइटिनेज चाहिए हमें, ऑप्शन डी। प्रोटीन की होती तो प्रोटीजेस चाहिए था डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल गेट इन एक्टिवेटेड इन द इंजर्शनल इनएक्टिवेशन? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन जो होती है, ठीक है, तो कहते हैं उसमें कौन सा एंजाइम जो है वो इनएक्टिव किया जाता है, होता है? ट्रांस असाइलेज परमीएज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ताक पॉलीमरेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन में, जो इनएक्टिवेटेड होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, 66, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटोजेनिक सबस्ट्रेट, कि जो क्रोमैटोजेनिक सबस्ट्रेट होता है उसकी प्रेजेंस में जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो क्या देता है? विच बैक्टीरिया गिव्स रेड कलर कॉलोनीज देता है, कलरलेस कॉलोनीज देता है, ब्लू के ग्रीन कॉलोनीज देता है, व्हेन क्रोमैटोजेनिक सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट? तो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कैसा कलर देगा? तो वो देता है कलरलेस कॉलोनीज, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ही सही है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज मॉलिकुलर सीजर? मॉलिकुलर सीजर कौन सा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ऑप्शन थ्री। लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेलिकेज, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीसीआर? पीसीआर में क्या रिक्वायर नहीं होता है? डीएनए प्राइमर्स, डीएनए टेम्पलेट, आरएनए प्राइमर्स के ताक पॉलीमरेज। तो यहाँ पे डीएनए प्राइमर्स जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आरएनए प्राइमर्स वगैरह होते हैं, तो डीएनए प्राइमर्स की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन वन आ गई। सबस्ट्रेट फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज, सबस्ट्रेट क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही होते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो सबस्ट्रेट होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डीएसडीएनए जिसको बोलते हैं। तो 70 का थर्ड आ जाना है। 71st इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टर्म वेक्टर्स रेफर टू? वेक्टर किसको कहा जाता है डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? एंजाइम को कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स में कट करता है डीएनए को, डीएनए को इस तरह से फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है उसको, या जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एंड पे स्टिकी पार्ट बना होता है, स्टिकी एंड्स होते हैं, या प्लाज्मिड होता है जो कि लिविंग सेल में डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको वेक्टर कहते हैं, या पर्टिकुलर जीन्स हैं डीएनए प्रोब जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो वैक्टर्स होते हैं ये प्लाज्मिड, उन प्लाज्मिड को कहा जाता है जो कि डीएनए के यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको वेक्टर कैरी करता है, ठीक है, तो उसको आगे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का काम करता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड को कहते हैं वेक्टर। तो थ्री ऑप्शन 71 की थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 72। इन पीबीआर 322 विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीनीज, क्लोनिंग जीन्स के लिए कौन सा वैक्टर के तौर पर पीबीआर 322 में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है? ओरिजिनल बैक्टीरियल प्लाज्मिड, मॉडिफिकेशनल बैक्टीरियल प्लाज्मिड, वायरल जीनोम के ट्रांसपोजन से यूज़ किए जाते हैं इसमें, तो इसमें मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन टू आ गई। फिर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो हैं दैट हैव बीन यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, के जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया किस चीज़ की कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं? थायरोक्सिन की, टेस्टोस्टेरोन की, ह्यूमन इंसुलिन, या मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं? तो ये यूज़ होते हैं ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने के लिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है, जैसे इकोलाई होता है, तो इसकी हेल्प से आगे वो ह्यूमन इंसुलिन जो है वो तैयार की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज़, के क्या मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का, क्या फ़ायदा है? पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स बनाती है ये, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाती है प्लांट्स में, सीड नंबर कम कर देती है, या प्लांट वेट को बढ़ा देती है, क्या फंक्शन होता है इसका? तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बढ़ा देती है प्लांट्स में, कि पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही ना पड़े, प्लांट्स खुद ही जो हैं उनमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ जाए, कि पेस्ट उनको ख़राब ना कर सके, है ना। फिर है 75th। नेम ऑफ द ड्रग यूज्ड इन द कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग बनाई गई है वो कौन सी है? इंटरफेरोंस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एच डी एच,
TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इंसुलिन ऑप्शन आनी है ऑप्शन वन इंटरफेरोंस 75th की ऑप्शन ऑप्शन वन आ जानी है इंटरफेरोंस 76th है द प्री रिक्विसाइट्स फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए जो प्री रिक्विसाइट्स हैं क्या हैं टू सर्च एन एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट एंटीबायोटिक जीन ज्वाइन एंटीबायोटिक जीन विद द इकोलाई प्लाज्मिड या सारी ऑप्शंस हैं तो 76 के लिए हमारे पास है सारी ही के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस करवाना एंटीबायोटिक रिसर्च करने के लिए फिर जेनेटिक जो ये एंटीबायोटिक जीन है उसको आइसोलेट करना देन इकोलाई प्लाज्मिड जो है उसके साथ एंटीबायोटिक जीन को ज्वाइन करवाना ठीक है तो ये सारी हैं इसमें तो ऑप्शन फोर ही सही है फिर है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट आज की बायोटेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसमें क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग टिश्यू कल्चर माइक्रोबायोलॉजी के सारे हैं इसमें तो इसकी भी ऑप्शन फोर था जानिए सभी हैं इसमें फिर है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड हार्मोन सबसे पहले जो आर्टिफिशियल फॉर्म में हार्मोन को सिंथेसाइज क्या था वो कौन सा था सिक्रेटिन इंसुलिन ग्लूकागोन के रेनिन तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन सबसे पहले तैयार किया गया था ठीक है तो ऑप्शन टू आ जानी है 78 की नेक्स्ट है प्रोटीन प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन्स क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग जो क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी हैं ये जो जीन्स हैं बीटी टॉक्सिन जीन्स ठीक है तो ये किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए होते हैं बॉल वर्म को राउंड वर्म को मोथ को के फ्रूट फ्लाई को ये बॉल वर्म को कंट्रोल करने के लिए होते हैं जो कि क्रॉप को ख़राब कर देते हैं ठीक है तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन द ट्रांसजेनिक राइस जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर इंक्रीज द कंटेंट ऑफ किस चीज़ का कंटेंट बढ़ गया किस विटामिन का कंटेंट बढ़ गया है ट्रांसजेनिक राइस में ए बी वन सी के डी विटामिन तो विटामिन ए का कंटेंट बढ़ गया है ठीक है बीटा कैरेटिन और बीटा कैरेटिन वगैरह का कंटेंट अच्छा होता है इसमें ठीक है तो विटामिन ए का सही है इसकी फर्स्ट ऑप्शन आ जानी है 80th की देन है 81st क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन पहले जो प्रो इंसुलिन बनती है उसको मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए कौन सी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन से ऐड करने पड़ते हैं प्रो इंसुलिन में से सी पेप्टाइड चेन को रिमूव करना पड़ता है बी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन में ऐड करना पड़ता है या प्रो इंसुलिन में बी पेप्टाइड चेन को निकालना पड़ता है ताकि प्रॉपर मैच्योर इंसुलिन बन जाए तो क्या किया जाता है इसमें इसमें करते हैं कि जो प्रो इंसुलिन की सी पेप्टाइड चेन होती है उसको रिमूव किया जाता है देन मैच्योर इंसुलिन बनती है तो 81 की ऑप्शन टू आ जानी है फिर है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज फॉर क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स इज ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने के लिए जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज करते हैं वो कौन सा है इकोलाई है बैसिलस सबटिलिस है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है कि स्यूडोमोनास प्यूटिडा है तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा है ठीक है 82 की ऑप्शन फोर आ जानी है फर्स्ट जेनेटिक प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था पोटैटो टोमेटो टोबैको के मेज था तो ये सबसे पहला था टोबैको ठीक है 83 की ऑप्शन थ्री आ जानी है टोबैको फिर है इकोलाई आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्क्रीचिया कोलाई जो है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ होता है रिफेम्पिसिन ल्यूटिनाइज एलएच ठीक है रिफेम्पिसिन है एलएच है एक्टिसन है और इंटरफेरोन है इकोलाई किसके प्रोडक्शन के लिए एस्क्रीचिया कोलाई किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है तो ये यूज़ होता है इंटरफेरोन्स के लिए ठीक है ऑप्शन फोर आ जानी है कि जेंट्रेट इज़ फॉर्मड इन द लेबॉरेटरी व्हाट इज़ द रीज़न क्या रीज़न था जिससे जेंट्रेट जो था वो फॉर्म हुआ था लेबॉरेटरी में जीन म्यूटेशन से जीन सिंथेसिस से जीन मैनिपुलेशन से कि जीन रेप्लिकेशन से तो 85 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन थ्री जीन मैनिपुलेशन से तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ द बीटी कॉटन हैज़ बीन मच इन द न्यूज़ कि बीटी कॉटन प्रोड्यूस करवाया जाता है कल्टीवेट करवाया जाता है ये काफ़ी चलता रहा है तो प्रीफिक्स बीटी मींस इसमें बीटी कॉटन में बीटी क्या है बीटी फॉर बैसिलस थोरिंजियेंसिस होता है ना तो बेरियम ट्रीटेड कॉटन सीड्स हैं नए बिगर थ्रेट वैरायटी ऑफ कॉटन विद अ लेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ नो नहीं है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को लेके नहीं है प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस और लाइगेज नो ये भी नहीं है बीटी किस चीज़ को रेफर करता है कैरिंग एन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम द बैसिलस थोरिंजियेंसिस के वो जीन है जो एंडोटॉक्सिन जीन्स होते हैं उसके लिए इसका ना इसके लिए प्रीफिक्स बीटी यूज़ किया गया है ठीक है तो ऑप्शन ऑप्शन फोर सही है 86 की 87 है
क्राइजीन विच सिंथेसाइज अ क्रिस्टल प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम, कि वो क्राइजीन जो कि क्रिस्टल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बनाता है, आइसोलेट फ्रॉम किससे आइसोलेट किया जाता है, बैसिलस थोरिंजियनसिस से, राइजोबियम से, बैसिलस पॉली मिक्सा से या क्लोस्ट्रीडियम से किया जाता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है 87th की ऑप्शन 1, बैसिलस थोरिंजियनसिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मोडिफाइड फूड, क्योंकि जेनेटिकली मोडिफाइड फूड होता है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड क्या रिस्क आते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा होती है, उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, या सारी तो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एक तो टॉक्सिसिटी आ सकती है, दूसरा एलर्जेंस जो होते हैं उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो कईयों को हो सकती है। फिर है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यहाँ इनकी हेल्प से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाएंगी, तो वो तो ग्रो करते रहेंगे। फिर अगर उनको ख़त्म करने के लिए, जो हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे इंटेस्टाइन में है या एलिमेंट्री कैनाल में है, तो वो बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते रहेंगे, और अगर हम उनको मतलब उनके ख़त्म करने के लिए उनको एंटीबायोटिक्स यूज़ भी करेंगे तो उन पर तो एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन 4 आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन थेरेपी फर्स्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जीन थेरेपी किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए पहले यूज़ होती है, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, SCID या लिक्विड। तो ये हुई थी SCID के लिए, ठीक है। जीन थेरेपी सबसे पहले किस ट्रीटमेंट के लिए हुई थी, SCID के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वियर कंबाइंड एमिनो डेफिशिएंसी, ठीक है, SCID। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी टू कॉटन इज रेजिस्टेंट फॉर, बीटी कॉटन जो है ये किसको लेके रेजिस्टेंट है, वॉलवॉर्म, ब्लूकवॉर्म, फ्लूकवॉर्म, वॉलवॉर्म के पिनवॉर्म, तो वॉलवॉर्म को लेके। तो ऑप्शन है 90th की ऑप्शन 3 आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड, जो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर होती है, बनाई जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो ह्यूमलिन बोलते हैं, ह्यूमेटिन बोलते हैं, हाइब्रिडोमा बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमलिन, ठीक है। ऑप्शन आनी है 91 के ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी पेप्टाइड क्या है, प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता, मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट है, रिमूव हो जाता है इंसुलिन की मैच्योरेशन के दौरान, या आर्टिफिशियल इंसुलिन में ये प्रेजेंट होता है, तो क्या ऑप्शन आनी है इसकी। तो जो सी पेप्टाइड होता है वो इंसुलिन के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, जो हमने पढ़ा, तभी जो है वो प्रॉपर मैच्योर इंसुलिन बन पाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 92 की 3 आ जानी है। क्वेश्चन 93 है GEAC द डिसीजन रिगार्डिंग, GEAC जो है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेती है कमेटी, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च के, जेनेटिकली मोडिफाइड जो मॉडिफिकेशन के लिए जो रिसर्च है वो उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, या GM ऑर्गेनिजम्स सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस, के पब्लिक सर्विस के लिए GM ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए या नहीं, उनकी क्या सेफ्टी है इसलिए, या बायो पेटेंट की वैलिडिटी के लिए। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही जा रही है, तो दो से ज़्यादा ऑप्शन, सॉरी एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक है, तो हम फोर्थ ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि GM रिसर्च की वैलिडिटी के डिसीजन लेती है, या पब्लिक सर्विसेज के लिए ही यूज़ प्रॉपर होने चाहिए, उनका कोई अपने लिए यूज़ ना हो, है ना, करे तो इसके लिए मतलब वो डिसीजन लेती है, तो ऑप्शन 4 आ जानी है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ द बायो रिसोर्स बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, के जो बायो रिसोर्सेज को मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं या बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं बिना कोई अथॉराइजेशन लिए हुए कंट्री से, या उन पीपल से जिनके साथ वो बायो रिसोर्सेज रिलेटेड हैं, उनसे बिना कोई परमिशन लिए, बिना अथोराइजेशन लिए, कोई प्रॉपर कोई भी उसको कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको बायो रिसोर्स को यूज़ करना शुरू कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे, बायो पेटेंट, बायोपिरेसी, बायोवॉर के बायोडाइवर्सिटी, तो इसको बायोपिरेसी बोलते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड, इंडिया की पार्लियामेंट ने अभी क्या क्लियर किया है रिसेंटली, किस चीज़ को क्लियर किया है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल, कि इंडियन पेटेंट के बिल्स के लिए कौन से अमेंडमेंट को अभी इंडियन पार्लियामेंट ने क्लियर किया है, पास किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के फोर्थ सेकंड को किया है, ठीक है, ताकि जिसकी जो कंसर्न्ड पीपल या कंट्रीज़ हैं, मतलब मेनली जो तो कंसर्न्ड पीपल हैं, उनसे अथोराइजेशन लेके ही कोई कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई रिसोर्स को यूज़ कर सके, ठीक है, तो उसके लिए ये स्टेप लिया गया है, तो ऑप्शन 2 आएगी।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन. मैच्योर इंसुलिन में कौन सी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट नहीं होती है? सी पेप्टाइड चेन. तो 96 की ऑप्शन 3 आ जानी है. ठीक है, नेक्स्ट है 97th क्वेश्चन. टर्म ह्यूमलिन इज यूज फॉर, ह्यूमलिन टर्म किसके लिए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के लिए, पावरफुल एंटीबायोटिक के लिए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए, आइसो एंजाइम के लिए? तो ये है ह्यूमन इंसुलिन के लिए, 97 की ऑप्शन 3 आ जानी है. फिर है 98 यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द अथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड. कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन बिना अथोराइजेशन से, बिना अथोराइजेशन के किसी भी बायो रिसोर्स को यूज़ कर लेते हैं तो है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायो इन्फ्रिंजमेंट, बायोपीसी, बायो डिग्रेडेशन या बायो एक्सप्लॉयटेशन? फिर से सेम क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्म चेंज करके बोल दिया है. तो इसके ऑप्शन आने, ऑप्शन 2 बायोपीसी बोलते हैं. 99th क्वेश्चन है विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस? कौन सी? GEAC है ना. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, ठीक है, ए ऑप्शन, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ऑप्शन 1 आ जानी है. दूसरी है रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, या तीसरी है बायोसेफ्टी कमेटीज़ या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है. 100th क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉबेंट ऐसे जो है ये कहते हैं यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द वायरसेज वेयर द की रीजेंट इज. इसका की रीजेंट क्या है जिसके लिए वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट यूज़ करते हैं? एल्किलाइन फॉस्फेटेज है, कैटालेज है, DNA प्रोब होते हैं इसमें, कि RNAs होते हैं जिस वजह से इसको यूज़ किया जाता है. तो इसमें एल्किलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन 1 आ जानी है. तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के. बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी के और चैप्टर्स के क्वेश्चन. सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.